Assalamu alaikum. My name is Bisma Munawar, and I have completed my bachelor's in business administration, and my major was finance. So basically, I started my journey with Premier. It was my greatest experience because soon after I completed my degree, तो मेरे पास कुछ खास था नहीं करने के लिए. I didn't join any organization job करने के लिए. So I thought क्यों ना कोई ऐसा स्किल सीख लिया जाए जो मैं घर पे बैठ के काम कर सकूँ ना, क्योंकि ऑब्वियसली हर कोई पसंद नहीं करता कि वो घर से बाहर जाए और फिर काम करे. तो फ्रीलांसिंग एक ऐसी चीज़ थी जो जिसने मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया कि चलो घर पे बैठ के करनी है तो क्यों ना कर लें. तो देन आई केम टू नो अबाउट गनवा की ऑर्गेनाइजेशन के बारे में मुझे पता चला. देन उसके बाद सबसे पहले तो मुझे VA के बारे में पता चला कि Amazon का एक ट्रेनिंग प्रोग्राम है, इस तरह के काफ़ी सारे लोग ट्रेनिंग्स करवा रहे हैं और काफ़ी अच्छी लोग इससे काफ़ी अच्छा अर्न भी कर रहे हैं और काफ़ी अच्छा अपने आप को स्टेबल भी कर रहे हैं, घर पे बैठ के एक अच्छी इनकम भी जनरेट कर रहे हैं. तो आई थॉट आई शुड गिव इट अ ट्राई, और क्योंकि मैं फ्री थी कम्प्लीटली और मेरी आदत नहीं है कि मैं फारिग बैठूं, तो इसलिए मैंने कहा चलो ट्रेनिंग ज्वाइन कर लेती हूँ, बाकी जो होगा देखी जाएगी. बेसिकली ट्रेनिंग के दौरान इट वाज वेरी नाइस एक्सपीरियंस. हमने काफ़ी सारी चीज़ें सीखी. बेसिकली जो मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ है ना वो ट्रेनिंग है आपकी. अगर आपने ट्रेनिंग के अंदर अपने सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिए हैं तो आपको आगे जाके बहुत हेल्प होगी. फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मेरे कॉन्सेप्ट ही हंटिंग के बारे में क्लियर नहीं है तो मैं आगे जाके जब हंटिंग करूँगी तो ऑब्वियसली मुझे नहीं पता कि मैंने ग्लास प्रोडक्ट्स में नहीं जाना, मैंने ब्रेकेबल प्रोडक्ट्स में नहीं जाना, या मैंने मैग्नेटिक प्रोडक्ट्स में नहीं जाना. तो काफ़ी सारे बच्चे जो इवन ट्रेनिंग लेके भी आते हैं उनको ये सारी चीज़ें नहीं पता होती. तो ट्रेनिंग के ऊपर फोकस करना इज़ रियली इम्पॉर्टेंट. और उसके अलावा when I was done with my training, क्योंकि my performance was good throughout the training, तो गनवा ने मुझे ट्रेनिंग इंटर्नशिप भी ऑफर की थी जो मैं अभी करंटली कर रही हूँ. तो इवन मेरा ट्रेनिंग के दौरान भी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, और अब मैं इंटर्नशिप कर रही हूँ तो इंटर्नशिप में भी आई एम लर्निंग अ लॉट ऑफ थिंग्स, क्योंकि जब आप मार्केट में बैठे हुए लोगों के साथ काम कर रहे होते हैं तो आपको बहुत सारी छोटे छोटे टेक्टिक्स पता चलते हैं कि बेसिकली कैसे काम करना है, क्या चीज़ें हैं जो आपने अप्लाई करनी है, और काफ़ी सारी छोटी छोटी चीज़ों के बारे में आपको पता चलता है. और आपके बेसिकली आपके पास एक सपोर्ट होती है, बैक सपोर्ट होती है कि फॉर एग्जांपल अगर आपसे कुछ गलत हो जाता है तो आपको हेल्प करने के लिए काफ़ी सारे लोग होते हैं. तो बेसिकली जो हमारी जनरेशन है उसके अंदर पेशेंस बिल्कुल भी नहीं है. हम लोग समझते हैं कि अगर हमने आज ट्रेनिंग की है तो हम कल से अर्न करना शुरू कर देंगे, हालांकि ऐसा नहीं होता. मैं 2 मंथ से इंटर्नशिप कर रही हूँ, बट ऑब्वियसली चीज़ों को टाइम लगता है सीखने में. सोर्सिंग काफ़ी लंबा प्रोसेस है, हंटिंग भी अच्छा खासा टाइम लग जाता है आपका उसके अंदर. तो ऐसा ऐसा चीज़ें जब साथ साथ चल रही होती हैं तो फिर ही आप मूव कर रहे होते हैं. तो लोग सिर्फ और सिर्फ VA में मैंने जो देखा है अब तक, लोग जो हैं सिर्फ थोड़ी बहुत सक्सेस स्टोरीज देख के फ़ौरन आ जाते हैं और कहते हैं कि भाई बाद में ट्रेनिंग के बाद कहते हैं हमने ट्रेनिंग पे इतने पैसे लगा दिए फिर भी हमें कुछ नहीं आता. तो उसका रीज़न ये होता है कि हम लोग जो हैं वो 10 मिनट की या 5 मिनट की सक्सेस स्टोरी से इतना ज़्यादा मोटिवेट हो जाते हैं कि हम लोग उसके पीछे का हार्डवर्क नहीं देख रहे होते कि उस बंदे या बंदी ने क्या कहते हैं दिन रात जाग के क्या हार्डवर्क किया उसके पीछे, वो हम चीज़ें नहीं देख रहे होते. हम वो सिर्फ 5 मिनट या 10 मिनट की वीडियो देख के अपना एक एनालिसिस बना लेते हैं जिसकी बेस के ऊपर हम पे काम करना शुरू कर देते हैं, और फिर जब हमारी अर्निंग स्टार्ट नहीं होती तो हम डीमोटिवेट हो जाते हैं. तो ऑब्वियसली डीमोटिवेशन से बचने के लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपना विजन सेट करें, क्योंकि जब आपका विजन सेट होगा तो आपको पता होगा कि आपने करना क्या है. और जब आप डीमोटिवेशन की तरफ जा रहे होंगे तो आप फिर सोचिएगा कि मैंने स्टार्ट क्यों किया था. तो उससे काफ़ी हेल्प होती है, क्योंकि ऑब्वियसली आई एम अ ह्यूमन बीइंग, ह्यूमन नेचर है कि जब आप चीजें आपके मुताबिक नहीं चलती तो आप फौरन डिमोटिवेट हो जाते हैं और आप कहते हैं कि चलो मैं छोड़ देती हूँ या छोड़ देता हूँ। विजन इज व्हाट कीप्स यू पुशिंग ना, तो डिफाइनिंग योर विजन इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसके अलावा बेशक आपके पास पेरेंट सपोर्ट हो, मेंटोर सपोर्ट हो या कोई भी किस्म की सपोर्ट हो, लेकिन जब तक आप खुद अपने आप को नहीं जानते कि आप क्या करना चाहते हैं या आप खुद अपने आप को नहीं समझते कि आप वाकई में करना चाहते हैं कुछ या नहीं करना चाहते, तो आपसे कोई भी नहीं करवा सकता। इवन अगर आपको लोग अच्छी अच्छी चीज़ें भी बता रहे हैं, अच्छी ट्रिक्स एंड टिप्स भी बता रहे हैं, फिर भी आप नहीं कर पाएंगे अगर आप खुद रेडी नहीं है इस चीज़ के लिए। बाकी मुश्किल या आसान इस चीज़ में कुछ भी नहीं होता। लिटरली शुरू में चीज़ें मुश्किल लगती हैं, जब ऑब्वियसली आप ट्रेनिंग ले रहे होते हैं, आप एकदम से न्यू चीज़ें लर्न कर रहे होते हैं, तो तब चीज़ें मुश्किल लगती हैं। लेकिन आप करना स्टार्ट कर देंगे जब आपकी प्रैक्टिस होगी, तो ऑब्वियसली चीज़ें खुद ब खुद आसान होती जाती हैं। एंड my overall experience with Ganwa has been really great, or she has been really supportive even in training and after the training, or obviously agar main aaj internship kar rahi hu to it's because of her, aur unhone hi mujhe offer ki thi। uske alawa ट्रेनिंग में भी आप ये चीज़ ज़रूर देखिए कि अगर आप VA की तरफ आ रहे हैं तो आप सबसे पहले तो आप अपने आप को रेडी करें कि आपने हर चीज़ से डील करना है, आपने हर किस्म के लोगों से डील करना है, आपको चाइनीज़ सप्लायर से डील करना आना चाहिए। काफ़ी मसले होते हैं उसके अंदर। आई एम डूइंग सोर्सिंग एट द टाइम, और काफ़ी छोटे छोटे मसले हैं जो मैंने देखे हैं, जो मेरे माइंड में भी नहीं थे, लेकिन ऑब्वियसली मुझे नहीं पता उनसे कैसे डील करना है कैसे नहीं डील करना। लेकिन क्योंकि मैं इंटर्नशिप कर रही हूँ, आई डिस्कस विद माई मेंटोर, तो ही गाइड्स मी। तो ये है कि ट्रेनिंग लें, ट्रेनिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अपने कॉन्सेप्ट को बिल्कुल क्लियर करें। आपको नहीं समझ में आता, आप टीचर से बार बार पूछें। यहाँ का एनवायरनमेंट ऐसा है कि आप जितनी बार पूछेंगे वो लोग आपको लाजमी बताएंगे। आपको कोई ट्रेनर से प्रॉब्लम है तो भी आप गनवा से डिस्कस कर सकते हैं। लाइक हमारे टाइम पे हमें ट्रेनर नहीं समझ में आए थे, तो गनवा ने हमारी ट्रेनिंग 2 वीक्स की हो चुकी थी, बट फिर भी उन्होंने हमें दोबारा से ट्रेनिंग करवाई पूरी। और मैम तहरीम बहुत अच्छी थी, उन्होंने बहुत अच्छे से हमें समझाया हर चीज़ को। सिर्फ और सिर्फ उन्होंने VA का ही हमें नहीं करवाया, सिर्फ अमेजोन से रिलेटेड नहीं बताया, बल्कि हम उनसे अगर अलग से भी कोई चीज़ पूछते थे तो वो हमें ज़रूर बताती थी। तो अपनी नेटवर्किंग को इम्प्रूव करें, स्ट्रॉन्ग करें। इन द एंड आई वुड लाइक टू थैंक गनवा फॉर ऑलवेज बीइंग देयर बाय माय साइड, ट्रेनिंग के दौरान भी और ट्रेनिंग के बाद भी। एंड आई ऑल्सो विश यू अ ह्यूज सक्सेस। मे योर ऑर्गेनाइजेशन ग्रो एवरी डे। थैंक यू सो मच गनवा एंड फाइनल। थैंक यू।